जस्टिन बीबर को लगने लगा था कि वो मर जाएंगे, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी टीम, बॉडीगार्ड की टीम हर रात को आती थी उनकी पल्स चेक करने के लिए कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। जस्टिन बीबर की एक डॉक्यूमेंट्री निकल के आई है, उसमें जस्टिन बीबर ने डिस्कस किया है कि उनको एक टाइम पर इतना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन हो गया था कि उसके कारण उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। उनको उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, सिर्फ ड्रग्स ही वो लेते थे, जिसके चलते ज़िंदगी और मौत तक बात आ चुकी थी। उस डॉक्यूमेंट्री में उनकी वाइफ हेली बीबर का भी जिक्र है। हेली बीबर से रिसेंटली उन्होंने अपना फर्स्ट चाइल्ड वेलकम किया। हेली बीबर ने भी उस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि जस्टिन और मैं एक दूसरे की लाइफ में इतना तो दखल नहीं देते, लेकिन जब जस्टिन ने कहा कि उनको सोबर होना है, इस चीज़ से दूर जाना है, तब मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। वो इस स्टेट में पहुंच गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएंगे, जिसके बाद उनकी जो बॉडीगार्ड की टीम थी उनकी पल्स भी चेक करती थी हर रात को। वहीं जस्टिन बीबर ने भगवान से कहा, यानी गॉड से कहा कि अगर तुम सच में हो तो मुझे इससे बाहर निकालो, बाकी का मैं सब कुछ कर लूँगा। इस टाइप से बहुत से लोगों के जो आइडियल है जस्टिन बीबर, जिनका करियर शुरुआत में स्काई रॉकेटेड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा उनको फेम मिला था, लेकिन वो फेम एक झटके में ख़त्म होता हुआ लग रहा था जस्टिन बीबर को। सारी चीज़ें उनको बर्बाद होती हुई दिख रही थी। जस्टिन बीबर ने बताया कि उनको लाइम डिजीज हुई थी, वो भी इसी के चलते हुई थी, और मेंटल डिप्रेशन में भी वो जा रहे थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि भगवान को उन्होंने चैलेंज किया था, अगर वो हैं तो उनको बाहर निकाले ड्रग एडिक्शन से, और फाइनली उनका ड्रग एडिक्शन ख़त्म हो चुका है। उन्होंने रिसेंटली फर्स्ट चाइल्ड को वेलकम किया और अब सब कुछ ठीक है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? इस टाइप की लेटेस्ट सेलिब्रिटी न्यूज़ जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।